चलिए आगे बढ़ते और बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा, एनएसयूआई का आंदोलन, बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे विश्वविद्यालय, पुलिस कर्मियों ने अंदर जाने से रोका तो बिगड़ी बात। एनएसयूआई नेता रामनिवास कुकणा की अगुवाई में आंदोलन, कुकणा का बयान, कॉलेज फीस वापस लौटाए यूनिवर्सिटी, गरीब किसान कमजोर तबके के छात्रों का शोषण ना हो, कोरोना की मार से पहले आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावक। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे किस तरीके से यहां पर हंगामा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, छात्र और पुलिस आमने सामने नजर आ रही है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो आपको बता दें ये पूरा आंदोलन एनएसयूआई नेता रामनिवास कुकणा की अगुवाई में किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेज फीस जो है वो यूनिवर्सिटी वापस लौटाए, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से महंगाई की मार लगातार जारी है तो वहीं कई लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो भी खराब हो गई है। कई गरीब हैं, कई किसान हैं, कई कमजोर तबके के छात्र हैं जिनका फीस की वजह से शोषण हो रहा है, ये तमाम अहम बातें कही जा रही है। तो वहीं अब यहाँ पर छात्र जो है वो अपनी आवाज बुलंद करते हुए आंदोलन के जरिए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस बल उनको रोकने का प्रयास वहां पर कर रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि गेट से अंदर जाने का प्रयास जो है वो छात्र कर रहे हैं, तो वहीं गेट बंद करने की कोशिश भी की जा रही है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, छात्रों को रोका जा रहा है अंदर जाने से, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको मुखातिब करा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है, एनएसयूआई का आंदोलन यहां पर जारी है, बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे विश्वविद्यालय, पुलिस कर्मियों ने अंदर जाने से रोका तो बात बिगड़ती हुई नजर आई। इसी खबर पर हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अभी क्या स्थिति है? अभी भी हंगामा जारी है, हालांकि अब थोड़ा सा नियंत्रित हुआ है। और दरअसल ये मामला ये था कि लोग जो चाह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता है रामनिवास कुकणा, उनकी मांग थी कि फीस जो है वापस लौटाई जाए, परीक्षा नहीं हो रही। उन्होंने मांग की वीसी बाहर आए और ज्ञापन ले, लेकिन जब वीसी बाहर नहीं आए तो इन छात्रों ने अंदर जाने की कोशिश की और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर बात बिगड़ी, कैसे धक्का मुक्की हुई, वहां पर फ्लावर पॉट गिरा दिए गए, एक तरह से यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ भी हुई है, तो जमकर हंगामा बरपा है। और निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि इनका कहना है कि कोरोना के चलते आर्थिक हालात खराब है अभिभावकों के, और ऐसे में जो फीस, अगर परीक्षा नहीं है तो फीस वापस लौटाए यूनिवर्सिटी, इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन था। बड़ी संख्या में छात्र आए थे, अगर आप देखेंगे इससे पहले की विजुअल तो उसमें साफ तौर पर नजर आएगा कि छात्रों की संख्या काफी थी, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं छात्रों में इस बात का दर्द है कि जब कोरोना के चलते एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो फीस क्यों ली जाए। निश्चित तौर पर लक्ष्मण, पर मांगे जायज है, पर ऐसे में कानून अपने हाथ में तो नहीं लिया जा सकता ना? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये बात हमने भी कही है कि देखिए, लोकतंत्र में जो है प्रदर्शन का तरीका डेमोक्रेटिक होना बेहद जरूरी है, कि आप अपनी बात रखें, तो शांति से रखें, अपनी बात कहें, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है तो कुछ और करें, अनशन करें, ये तमाम चीजें करें, लेकिन इस बीच ये सब होता है तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं इस तरह से बुरा लगता है। बिल्कुल लक्ष्मण, और अभी जो स्थिति है क्या लग रहा है कि जो बात बिगड़ी है क्या वो बात बन पाएगी? देखिए, अभी जो है आप देख पा रहे होंगे रामनिवास कुकणा जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं एनएसयूआई के, वो मौके पर है और वो बातचीत करने की उनसे भी प्रयास हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है वीसी को भी थोड़ी सी हटधर्मिता छोड़नी चाहिए थी, ऐसी कोई बात है, क्योंकि उनके छात्र हैं, यदि कोई संभावना थी कि बात हो सकती थी तो मुझे लगता है वो रास्ता भी वीसी और उनकी जो टीम है उसको निकालना चाहिए, और चीजों को, दरअसल जब बात नहीं होगी तो बात बिना बात बनेगी नहीं, तो मुझे लगता है इस पर काम होना चाहिए। अभी जो हमारी बातचीत हुई है वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो है वीसी जो है बात करें छात्रों से और उसके बाद ही हम कुछ तय करेंगे। बिल्कुल, बात होनी चाहिए और मामला शांत भी होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है, पर बात जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई और साथ ही पुलिसकर्मी और छात्र आमने सामने नजर आए। हालांकि अभी जो स्थिति है लग रहा है कि कंट्रोल में है।